मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेडलाइन से और बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 6 लाख हड़पने के लिए व्यापारी का मुनीम ने रची थी साजिश, तेलहर पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी मुनीम को भेजा जेल। मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए सायाहापुर से किसान रवाना, कहा सरकार को वापस लेने ही होंगे कानून। रौजा पुलिस ने सातिर चोर को पकड़ा, चोर के पास से कीमती मोबाइल बरामद, लूट करके छीनता था मोबाइल, पुलिस ने अब भेजा जेल। जिले के नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार सायाहापुर के जलालाबाद पहुंचे, स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का भी लिया जायजा। कल मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत के लिए आज खुटार के रामपुर से सैकड़ों की संख्या में किसान बसों और अपने निजी वाहनों से रवाना हो गए। यहां किसान संदीप सिंह की अगुवाई में इकट्ठा हुए और देर शाम बसों में सवार होकर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। संदीप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, तीनों काले कृषि कानूनों को वापस करवाकर ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि अब किसान वोट की चोट से सरकार को जवाब देगा और आने वाले चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी। हमारा उद्देश्य है तीन काले कानून वापस करवाना, MSP पे गारंटी लेना, और जब तक ये सरकार तीन काले कानून वापस नहीं करती तब तक किसान ये ऐसे ही डटा रहेगा, चाहे वो दिल्ली की सरहदें हों, सिंघू बॉर्डर की सरहदें हों, पंजाब हरियाणा जैसे मिलके चला है, ऐसे अब उत्तर प्रदेश भी सब मिलके चला है, और सब कोई इसमें जातिवादी नहीं, सब किसान भाईचारा एक हो चुका है और किसान जाग चुका है। जब तक ये तीन काले कानून वापस नहीं होते तब तक किसान ऐसे ही डटा रहेगा और डटा है, डटा रहेगा। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन और जनपद के नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार आज जलालाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दवाई की स्टोर रूम में जाकर दवाइयों के स्टॉक को चेक किया और एक्सपायर हुई दवाइयों के बारे में भी जानकारी ली। फिलहाल निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक ठाक मिला। जलालाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया तो वहीं से समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बीती रात रौजा थाना क्षेत्र के बरतारा में चोरों ने नकब लगाकर सर्राफा दुकान पर हाथसाफ कर दिया। घटना बीती रात किसी समय की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं। वहीं पुलिस आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। चोरों ने दुकान की पिछली दीवार में नकब लगाई और अंदर घुस गए। दुकान में रखी नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। रौजा पुलिस ने एक सातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 10 महंगे मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सोबित थाना अल्लागंज के हिंगली गांव का रहने वाला है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ITI मोड़ के पास चोरी का मोबाइल बेचने आया है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया जिसके पास से चोरी किए हुए 10 महंगे एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है और अपने खर्चे पूरे करने के लिए चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। फिलहाल पुलिस ने चोर को जेल भेज दिया है। बंडा थाना क्षेत्र के गांव बिलंदपुर सुंदरपुर की महिला ने अपने जेठ पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि 1 सितंबर को उसके पति और उसके जेठ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी दौरान वह बीच बचाव करने पहुंची तो उसके जेठ ने उसको लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। वहीं अब पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार का कहना है कि महिला के साथ मारपीट के मामले की तहरीर आई है जिसमें जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तेलहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में बालिका हेल्थ क्लब द्वारा नारी स्वास्थ्य और
पोषण विषय पर छात्राओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पहुंची डॉक्टर किरण गंगवार ने छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी। इस दौरान कॉलेज का अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। कल तिलहर में अपने मालिक का धन गबन करने के उद्देश्य से लूट की झूठी सूचना देने वाले मुनीम को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दरअसल कल राइस मिलर राजीव गुप्ता के मुनीम अनिल कुमार ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 6 लाख रुपए की नकदी निकाली और बाद में पुलिस को अपने साथ लूट होने की सूचना दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मुनीम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म को कबूल लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मुनीम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। थाना जलालाबाद क्षेत्र में जलालाबाद फरुखाबाद स्टेट हाईवे पर एक कैप्सूल अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के वक्त कैप्सूल खाली था। बताया जा रहा है कि कैप्सूल शाहजहाँपुर के जमौर से वापस आगरा जा रहा था। उसी दौरान स्टेट हाईवे पर दहेना मनिहार के पास दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में कैप्सूल खाई में जा उतरा। इस दौरान ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत आज शाहजहाँपुर पुलिस ने गांव-गांव और मोहल्लों में चौपाल लगाकर महिलाओं और छात्राओं को अपने अधिकारों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आज महिला आरक्षियों के द्वारा गांव-गांव, मोहल्लों और स्कूल कॉलेजों में जाकर महिलाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, UP 112 और 181 के बारे में जानकारी दी। बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इन नंबरों पर कॉल कर मदद ली जा सकती है। आज तिलहर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। समाधान दिवस की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने की, जिसमें 36 समस्याएं आईं। आपको बता दें कि इस दौरान महज एक समस्या का ही निस्तारण हो सका, जिसके चलते फरियादी निराश होकर लौट गए। थाना कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तमंचा और कारतूस मिले हैं। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर स्पर्श उर्फ चंदू को मोहल्ला मोहम्मद जई से गिरफ्तार किया है, जिसे अब जेल भेजा जा रहा है। आज कलेक्ट्रेट में योग प्रोटोकॉल वाई ब्रेक अभियान का जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया। यह अभियान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों पर चलाया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए योगाभ्यास कराया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कर्मचारियों को काम के दौरान 5 मिनट का ब्रेक लेकर योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे मानसिक तनाव तो दूर होता ही है, साथ ही लोगों की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सांसद अरुण कुमार सागर ने आज विधानसभा पुआया के ग्राम बितौनी, जेमा, गंगाई और गंगसरा में भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुना। सांसद ने लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित भी किया। साथ ही जनसंपर्क करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया और सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। थाना जयतीपुर पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बनखंडी पुलिया के पास से श्रीपाल और कुंवर पाल को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार श्रीपाल बदायूं जिले के दातागंज थाना क्षेत्र का और कुंवर पाल बरेली के फतेहगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। जलालाबाद पुलिस ने 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से सट्टा पर्ची और नकदी बरामद हुई है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव गुनारा में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मोहम्मद रफी और साहिद नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। तेलहर नगर के दारेंसा अकेडमी स्कूल द्वारा बच्चों की ड्रेस बदलने को लेकर अभिभावकों ने नाराजगी व्यक्त की है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, ऐसे में बार बार ड्रेस खरीदना संभव नहीं है। कई अभिभावकों का तो ये भी कहना है कि वह बच्चों की ड्रेस खरीद चुके हैं, उसके बाद अब ड्रेस बदल दी गई। फिलहाल अभिभावकों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है।